दिल्ली वर्सेस चेन्नई का 13वां आईपीएल मैच क्या बवाल मैच हुआ है भाई। पृथ्वी शॉ का कमबैक हो गया, पंत भाई की फॉर्म वापस आ गई, दिल्ली ने अपना पहला मैच भी जीत लिया, साथ में माही भाई की तूफानी बैटिंग भी देखने के लिए मिल गई। अब कैसे देखने के लिए मिली, तो पंत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और पृथ्वी शॉ और वार्नर ने मिलकर पावर प्ले में एक बढ़िया शुरुआत दी। इसी तरह से वार्नर ने अपनी 50 पूरी करी मगर पाथिरान ने उनको तगड़ा कैच लपक लिया। उसके बाद पृथ्वी शॉ का भी 43 रनों पर शो खत्म हो गया और फिर पाथिरान ने मार्श को बोल्ड करके अपना भूतिया सेलिब्रेशन कर लिया। मगर कल पंत भाई फॉर्म के अंदर वापस आ गए और उनकी 50 की मदद से दिल्ली ने दिया चेन्नई को 192 रनों का टारगेट। अब चेन्नई बैटिंग करने उतरी तो पावर प्ले में खलील ने गायकवाड़ का एज लगवाकर और रचिन को कैच करवाकर एक बढ़िया शुरुआत दी। फिर राणे और मिचेल के बीच थोड़ी अच्छी साझेदारी जमी तो उसको अक्षर ने आकर तोड़ दिया और फिर मुकेश ने राणे, समीर रिजवी और दुबे को चलता करके फाइनली माही भाई को बैटिंग करने आने के लिए मजबूर कर ही दिया और उन्होंने आते एक चौका भी जड़ दिया और भलाओ खलील यादव का कि उसकी वजह से हमें थोड़ी देर और माही भाई की बैटिंग देखने के लिए मिली। अब दिल्ली ने 20 रनों से भले ही चाहे मैच जीत लिया मगर माही भाई ने जो आखिरी के अंदर 4 शॉट लगाए उस पर फैंस ने दिल्ली की जीत से ज्यादा सेलिब्रेट कर लिया।